एक शख्स इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अनु के बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, मेरा गुलाम मुझसे कहता है कि मैं आपको कुछ रकम अदा करता हूँ और आप मुझे आजाद कर दें, तो क्या मैं उस गुलाम को आजाद कर दूँ? इमाम जाफर सादिक ने इरशाद फरमाया कि अगर तू आजाद कर दे तो तेरे लिए बेहतर है। वो शख्स चला गया और गुलाम से कुछ रकम तय हो गए। गुलाम हर दिन आता और मालिक को किश्तों में पैसे दे जाता। आखिरी दिन गुलाम आया और कहने लगा, मेरे आका, मेरे पास ये आखिरी किश्त है, इसके बाद आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। मालिक ने कहा, तू आजाद है, और फिर उसने पैसा ले लिया। गुलाम इमाम जाफर सादिक के बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर, मैं आजाद हो गया, लेकिन वो आखिरी किश्त मेरी है, उस पे मेरा हक है। और फिर उसने पूरा वाकया सुनाया। इमाम जाफर सादिक ने उस शख्स को बुलाया और फरमाया कि वो आखिरी किश्त इस गुलाम को दे दो। वो कहने लगा, इसमें तो मेरा हक है। इमाम ने फरमाया कि तूने पहले इसे आजाद किया फिर रकम लिया, होना ये चाहिए था कि तू पहले रकम लेता उसके बाद इसे आजाद करता। इस लिहाज से तूने एक आजाद शख्स का पैसा लिया है, ना कि